सेक्शन है वो मुमताज साहब की है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर, वो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर ये है कि इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंध की लाइब्रेरी डिस्चार्ज करें जो सिंध से रिलेटेड। अनदर क्वेश्चन सर, सर ये जो इनपुट में हम क्लेम करते हैं तो उसमें 16% और 17% के रेट अवेलेबल हैं FBR पे, लेकिन सिंध रेवेन्यू बोर्ड में ओनली 16% रेट्स आर अवेलेबल देयर सप्लाईज के लिए। ये इनपुट टैक्स का इशू है, माय नेक्स्ट कोलीग विल डिस्कस एंड डील विद दिस पर्टिकुलर इशू एज वेल, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। Assalamu alaikum ji, my name is Akil and I have a confusion in fact which I a little loudly I want to clear. I have a confusion in my mind which I want to clear. You just mentioned that if somebody is providing service to anybody out of the province of Sindh, it would not be subject to sales tax. Yes, but there is a slide 26 which says that if it is a levy tax on services provided, rendered, initiated. So by the word initiation, if somebody is in province and services is being initiated within province, Sindh province, and services are being rendered outside of the province, so what would be the status? Because there is a confusion. असल में इसमें debate होगी अपनी जगह, इसलिए कि law में कोई clarification इसकी मौजूद नहीं है। In our view, it should be only that portion of service which is rendered in Sindh. सारी की सारी services जो है सिर्फ वो पोर्शन टैक्सेबल होगा जो सिंध से रिलेटेड हो, इसलिए कि ज़ाहिर है अगर सारे प्रोविंसेस में, वरना तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पोर्शन सिंध से रिलेटेड होगा आपको एलोकेट करना होगा किसी ना किसी फार्मूले के तहत, जो रीजनेबल एक्सेप्टेबल मेथड हो उसके थ्रू, और वो पोर्शन टैक्सेबल होगा। साहब आपने अभी ये जो सवाल था इसी की कंटिन्यूएशन में, आपकी प्रेजेंटेशन के पेज नंबर 8 पर आप देखें, अ सर्विस लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल इफ प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम हिज आरओ और पीओबी इन सिंध, और नीचे आखिर में लिखा हुआ है अबव इज एप्लीकेबल वेदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब तो ये हुआ कि रजिस्टर्ड ऑफिस अगर सिंध में है और सर्विसेज पंजाब में प्रोवाइड की गई हैं तो उस पर वो टैक्सेबल होंगी। असल में ये एक्सप्लेनेशन है जो लॉ के नीचे दी हुई है, उसको मैंने समराइज किया, नंबर वन। नंबर टू, इसकी रिवर्स सिचुएशन इस तरह से एग्जांपल हो सकती है कि अगर फर्स्ट इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, और कराची में भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और कराची में फ्रेंचाइजी बैठा हुआ है और कोई सर्विसेज रेंडर्ड वो फ्रेंचाइजी कराची में कर रहा है, तो वो सर्विसेज भी टैक्सेबल होंगी। इस तरह से इसको लाया गया, हालांकि पेरेंट का मतलब जो मेन हेड ऑफिस है वो बाहर है, मतलब नॉन रेजिडेंट है यानी पंजाब में है। तो इसको मैं इस तरह समझूं कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सिंध में है और पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज कहीं भी प्रोवाइड की जाएंगी वो टैक्सेबल होंगी, या रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड सिंध है मगर सर्विसेज सिंध में प्रोवाइड की जाएंगी तो वो टैक्सेबल होंगी। आपके सवाल, दोनों सवाल का जवाब एक साथ, कि सिर्फ सर्विसेज रिलेटिंग टू सिंध जो है वो टैक्सेबल इन सिंध होगी। नहीं नहीं, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सिंध में है और सर्विसेज पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में प्रोवाइड की जा रही हैं तो उसका क्या स्टेटस होगा? उसका स्टेटस ये होगा कि वो टैक्सेबल नहीं होंगी, अगर वो टैक्सेबल होंगी तो एफईडी के एम्बिट में होंगी, सिंध सेल्स टैक्स एम्बिट में नहीं होंगी। मगर ये लिखा हुआ जो है बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम हिज आरओ और पॉइंट ऑफ बिजनेस इन सिंध, इसका फिर क्या मतलब हुआ? ऑफिस में किसी भी लॉ की प्रोविजन को अगर मैं आइसोलेशन में पढ़ने लगूं, ठीक है ना, इसके साथ जाहिर है डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज भी है मौजूद इसे अगले ही पेज के ऊपर, तो अगर मैं इसको आइसोलेशन में पढ़ूंगा तो इसके बहुत सारे मतलब निकल आएंगे। तो किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए आइसोलेशन में तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है सर। मैं हेलो शाहिद सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड आर रेंडर्ड बाय पर्संस एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएंगे जो थर्ड पार्टी लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? थर्ड पार्टी लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें थोड़ा सा डिबेट होगी इसके ऊपर कि ये एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, इसलिए कि इनकम टैक्स में हम इंटरप्रेट इसको करते रहे हैं कि ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है,
और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के दरमियान जो रिलेशनशिप है और वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का नहीं है, अकॉर्डिंगली सेल्स टैक्स के एम्बिट में आएगा और ये बहुत बड़ा मतलब एक्सपोजर होगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें मेजर और बाज़ोकात कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, वो छुप के पूछने चाहिए जिससे बात खुल ना जाए। इसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो तो बेसिकली लेबर से रिलेट कर रहा होता है जो हम पे कर रहे होते हैं, और थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको तो बेसिकली मिनिमल पोर्शन कमीशन का जा रहा होता है जी। तो इस पे तो बहुत बड़ा एक्सपोजर आ सकता है। मैंने इसीलिए खुद ही कहा कि इसमें एक्सपोजर बढ़ा है, लेकिन जो मेरा आंसर भी है वो कंक्लूसिव नहीं है। इससे कि एक डिबेट ये हो सकती है इसके ऊपर कि ये नहीं है, उसका आर्गुमेंट ये है कि जो टैक्सेबल पार्ट है उस टैक्सेबल एक्टिविटी में ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी अलग से टैक्सेबल सेकंड शेड्यूल में नहीं है जी। तो एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि ये एंट्री की वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, हमें रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन करनी होगी, उस इंटरप्रिटेशन के तहत इसके अंदर नहीं आएगा वो, तो डिबेटेबल इशू है, लॉ में क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों के अपने अपने जगह आर्गुमेंट मैंने आपको बता दी। सर, अगर एक कंपनी है वो 2 से 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और लॉ में एक एग्जेम्पशन है कि स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप जो आईटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से वो एग्जेम्प्ट है, तो क्या अब वो पार्ट्स भी उसको प्रोवाइड करती है और आईटी पर वो सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही और ना ही वो स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप में फॉर करती, एक डिपार्टमेंट है वो उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा देता है और सामने पार्टी को प्रोवाइड कर देता है, तो क्या वो उस पर एग्जेम्पशन में फॉल होंगी या नहीं होंगी? आप क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे? देखिए, आप थोड़ा नीचे देख रहे थे, थोड़ा ऊपर देख रहे थे, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो गया। आईटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से आईटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक एग्जेम्पशन है कि वो सारी अंडरटेकिंग या स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स जो आईटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एग्रीमेंट्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो एग्जेम्प्ट हैं। आईटी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अलग से एग्जेम्प्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है और सेकंड शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ, तो आर्गुमेंट इज दिस के वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। वो टैक्सेबल नहीं होगी, बिल्कुल सही है। बट अगर एक कंपनी है वो उसके अलावा और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, फाइन, और तो अब उसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक उसने नहीं करवाई, ओके, तो वो क्या स्पेशल वर्कशॉप में फॉल कर जाएंगी? रजिस्टर ना कराना तो कोई आर्गुमेंट नहीं है उसके टैक्स से बचने के लिए। अगर वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं तो टैक्सेबल होंगी और रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। और अगेन द क्वेश्चन रिलेट्स टू नेक्स्ट पार्ट। रजिस्ट्रेशन से आपके जो प्रोग्राम है थोड़ा सा उसको प्रोग्राम को 4 स्पेसिफिक सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो रेलेवेंट सेक्शन में जब लोग आए उनसे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार कर लेंगे तो फिर वो जो है सारा, और उसके बाद एंड में एक का 1 आवर का स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। 1 लास्ट क्वेश्चन। नईम कादरी फ्रॉम फौजी फर्टिलाइजर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सर्विसेज का टैक्स है, क्या ये सेल ऑफ फर्टिलाइजर के सेल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टेबल है या नहीं है? अगेन इट्स अ नेक्स्ट पार्ट जो मेरे कुलीग करेंगे वो उससे रिलेट करता है, तो आई हैव बीन स्पेसिफिकली टोल्ड कि मैं उसको डील ना करूँ। Could you please explain Stevie Doring services, what does this include for since sales tax leviable? I mean, does this include teleservices? Any idea of terminal operations? A little idea. Okay. Aapka question pooch le, no problem. Okay. Stevie Doring services are taxable under sales tax. Could we have an elaboration of what does include in isme specific rule hai, maine rule number bataya tha, if you have noted usme uski detail likhi hui hai, aur terminal operator ye karte hain basically. Could you please repeat that rule number for that Stevie Doring services? Rule number 38. Thank you. Thank you, Asif, for a nice presentation and taking a lot of questions and answering to
to the satisfaction of our participants. Now